हेलो दोस्तों, दोस्तों फूड मार्ट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है मैं पटना में आया हुआ हूँ और यहाँ मैं फूड मार्ट के अंदर हूँ। इससे पहले मैं फूड मार्ट की 3 से 4 वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिन्हें आप 15 से 20 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हो और उनसे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आपको उसके लिए किसी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आपको आपके पास चाहे रिक्शा है, चाहे रेडी है, चाहे कुछ भी है, उससे आप अपने इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। ये ऐसे बिजनेस है जिन्हें आप बड़े आसानी से शुरू कर सकते हो और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम ज्योत्सना हुआ, ठीक है। मैं फूड मार्ट से फिर से आपका स्वागत है। ठीक है मैम, आप कौन कौन सी मशीनों के बारे में आज आप हमें बताने वाले? आप 3 मशीनें हमें बता रहे थे जो जिससे लोग बड़े आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हाँ, तो वो कौन कौन से बिजनेस है? मैं आज आपको पॉपकॉर्न की मशीन बताने वाली। ठीक है, ये पहला जो बिजनेस है दोस्तों वो है पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत से रेडियो पे, रिक्शा के अंदर पॉपकॉर्न को लेके घूमते हैं वो। दोस्तों ये इसी तरीके की मशीन होती है। मैम जो ये मशीन है, अब रिक्शा पे बंदे लेके घूमते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो बंदे, अब मैं इसमें देख रहा हूँ ये वायर वाला सिस्टम है। हाँ, तो वो कैसे चलती है ये रिक्शा पे? आप ये इलेक्ट्रिक से चलती है, ठीक है, गैस से भी चलती है। अच्छा, मतलब जो रिक्शा पे लेके घूमते हैं वो गैस से चलने वाली होती है, ठीक है। वो दोस्तों आपको यहाँ पे दो तरीके की मिल जाएगी, एक आपको इलेक्ट्रिक से चलने वाली, एक गैस से चलने वाली। जैसी भी आपको सुटेबल हो वैसी आप ले सकते हो। अगर आप एक जगह स्टेबल हो तो आप इलेक्ट्रिक वाली ले सकते हो, अगर आपको जगह जगह घूमना है तो आप गैस वाली ले सकते हो। दोस्तों ये ऐसे बिजनेस है, इनमें आपकी पूंजी बहुत कम लगेगी पर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। मैम इस मशीन में कैसे क्या प्रोडक्शन होती है? ये अगर आप 50 रुपये का लेते हो मटेरियल जो होता है, मकई जो होता है, जो मक्की आती है वो 50 रुपये किलो आती है। वो दोस्तों कहीं भी आप रहते हो आपको पता ही होगा 50 रुपये के आसपास ही पूरा कॉस्टिंग होती है। कहीं 55 होती है तो कहीं 45 भी होती है, वो 50 की एवरेज में ही होती है। तो बताइए मैम 50 रुपये में आप जब आप 50 रुपये का प्रोडक्शन करते हो तो 200 रुपये की आपकी कमाई हो जाती है। उस एक 50 रुपये की प्रोडक्शन से आप 200 रुपये की कमाई कर सकते हो। तो सोच के देखिए 3 गुना प्रॉफिट आपको हो रहा है। जब आप एक प्रोडक्ट से 3 गुना प्रॉफिट कमाओगे तो आप दिन में थोड़ा बहुत काम भी करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आप खाली बैठे हो घर में, कुछ नहीं कर रहे हो। देखो दोस्तों क्या होता है, हमें कोई भी बिजनेस करना होता है उसमें हमें शर्माने की जरूरत नहीं होती कि मैं रेडी पे पॉपकॉर्न बेच रहा हूँ। जब आप रेडी पे पॉपकॉर्न बेच के भी दिन के 1000 से 2000 रुपये कमाओगे, महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमाओगे, तो फिर उसमें शर्म किस बात की? कहीं जॉब करोगे तो उससे तो अच्छा है ना कि भाई ये आप इस तरीके का बिजनेस करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जॉब छोड़ दो। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप इस तरीके का बिजनेस करो। अगर आप पहले से कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम इन मशीनों में कुछ खराबी वगैरह तो होती नहीं होगी? नहीं नहीं, खराबी क्या होगी, ये गैस से चल जाएगी, इलेक्ट्रिक से चल जाएगी, दोनों से चली जाएगी। कुछ भी दोस्तों अगर इसमें कुछ भी हल्का फुल्का भी होता है मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ खराब होता नहीं है। बाकी कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो अगर आप नियर बाय में रहते हो तो आप यहाँ करवा सकते हो, ठीक। अगर नहीं रहते हो तो आप वीडियो कॉल पे दिखा सकते हो, वीडियो कॉल पे भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको इसका जैसे रेडी रिक्शा पे मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इसका कमर्शियल यूज भी करना है, जैसे आपने पाउच देखे होंगे, पाउचों के अंदर पैक करके आप सेल कर सकते हो। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी लड़ी पैकिंग के लिए, उस तरीके से आप पैक करके पॉपकॉर्न पैक कर सकते हो। यहाँ पर मैम एक सीलिंग मशीन आप दिखा रहे थे, वो दिखाइए। ये हमारा सीलिंग मशीन, ये इससे हम सील कर सकते हैं। हैंड सीलिंग मशीन से आप पाउच लेके हैंड सीलिंग मशीन से सील भी कर सकते हो, इससे हम लोग सील कर सकते हैं। एक बिजनेस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से उन बिजनेसों को कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक बिजनेस आइडिया। मैम आप दूसरा बिजनेस आप कौन सा बता रहे हैं? हाँ जी मैं आपको बताने वाली हूँ कैंडी फ्लॉस। ठीक है आइए मैम, देख रहे हैं ये दो तरह के हैं, ठीक है, दो तरह की कैंडी फ्लॉस है। दोस्तों ये वो है जो आपने भी खाया होगा, बुढ़िया के बाल जिनको बोलते हैं, वही चीज़ है ना? हाँ जी, तो वो चीज़ है ये, उसी से ये बनते हैं मैम। हाँ, एक केजी चीनी लोगे ना आप, ठीक है, एक केजी में आप 200 से 300 कैंडी बना सकते हो। 200 से 300 कैंडी एक केजी के अंदर। दोस्तों ये ऐसे बिजनेस हैं इनमें बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर आप इन बिजनेसों को, मैम ये चलती किस चीज़ से है? ये इलेक्ट्रिक से चलती है। और अगर गैस से चलानी हो तो? गैस से भी चली जाएगी।
दोस्तों ये भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो आपका गैस से भी तैयार हो सकता है और इलेक्ट्रिक से भी तैयार हो सकता है, जैसे भी आपको करना हो। वही बात हो गई, अगर आप एक जगह स्टेबल हो तो आप इलेक्ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको इधर उधर घूमना है तो आप गैस का यूज़ कर सकते हो। इसमें तो आपको ये नहीं है कि मशीन लेके घूमने की ज़रूरत है, इसमें आप अपना प्रोडक्ट रेडी करके भी मार्केट में सेल करके आ सकते हो। आपने देखा होगा ना एक डंडे पे बहुत सारे उनको डंडा लगा के बांधे हुए होते हैं, तो वो उस तरीके से भी आप बेच सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को करना चाहते हो। हमारा दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है मैम। अगर इस मशीन की बात करें तो इस मशीन का स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस 15,000 से 20,000 तक। स्टार्टिंग प्राइस दोस्तों इनका 15,000 से 20,000 रुपये है। देखो ये भी 15,000 से 20,000, वो पॉपकॉर्न मशीन दिखाई थी मैंने वो भी 15,000 से 20,000। तो ये ऐसे बिजनेस है जिन्हें आप कम पूंजी लगा कर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब मैम तीसरा प्रोडक्ट कौन सा? तीसरा ये हमारा कॉफ़ी वाली है, इसमें हम कॉफ़ी बना सकते हैं। तो इसका क्या यूज होगा मैम? इसमें आप रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गया, शादी हो गया जिसमें हम कॉफ़ी पीते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं हम लोग तो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, उसमें इससे कॉफ़ी इसमें बनाया जाता है, चाय बनाया जाता है। तो दोस्तों ये आप अगर आपके पास रेस्टोरेंट है या फिर आप कहीं कहीं आपने शॉप खोल रखी है या फिर आप जहाँ मार्केट है जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ पर आप इसे रख के किसी रेडी पे रख के या कहीं भी रख के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में कॉफ़ी और चाय की डिमांड हर जगह रहती है, वो आपको भी पता है। तो दोस्तों किसी भी बिजनेस में हमें शर्माना नहीं होता, हमें अपनी शर्म को दूर के रख के अपने बिजनेस की शुरुआत करनी होती है। हर कोई बिजनेस जब शुरू होता है तो वो छोटे से शुरू होता है, बाद में उसे बड़े लेवल पे बनाया जाता है। ये तो आपको भी पता होगा, एक चाय वाले भी कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, ये नहीं होता। कोई भी काम आज के टाइम में छोटा नहीं होता। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप ज़्यादा सोचिए मत, फूड मार्ट पे कॉल कीजिए और अपनी मशीन बुक कीजिए और अपने बिजनेस को शुरू कीजिए। तो मैम अगर किसी को मशीनों के ऑर्डर देने तो वो कैसे देगा? जी 70% तक आप पेमेंट कर दीजिए, उसके 30% तक जब आप मशीन चली जाएगी तब आप पेमेंट कर सकते हैं। और किसी को यहाँ आके विजिट करना हो तो वो कैसे? हाँ जी, एड्रेस बता दीजिए। ये हमारा न्यू बाईपास नंदलाल छपरा पटना बिहार आ सकते हैं, ठीक है मैम। जो बिहार नहीं आ सकते उन्हें अगर कहीं आसपास में कोई आपकी ऐसी ब्रांच है कहीं मतलब दूसरी स्टेट में जहाँ से वो अगर जो यहाँ नहीं आ सकता वो वहाँ चला जाए। हाँ जी, हमारी एक और है जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीन की, हमारी हेड ऑफिस है नंदग्राम गाजियाबाद में, ठीक है मैम जी। तो दोस्तों अगर किसी को जो यहाँ आ सकता है वो यहाँ से परचेज कर सकता है, जो जिसको नियर बाय गाजियाबाद हो वो गाजियाबाद जाके भी इन मशीनों को देख सकता है, वहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। दोस्तों आपको एड्रेस भी पता चल गया, आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।